भ्रष्टाचार से सब बर्बाद है, भ्रष्टाचार से सब बर्बाद है। क्या देश अब भी आजाद है? आप लोग क्या सोचते हैं, क्या हम आजाद हैं? इन काले ब्रिटिशर्स से उनके शिकंजे में इस कदर कस गए हैं कि हमें निकलना मुश्किल हो रहा है। मैं एक भारतीय ईसाई हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं एक भारतीय ईसाई हूँ। धर्म परिवर्तन का जो आरोप हम पर लगाया गया है, यदि हिंदुस्तान में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 80% क्रिश्चियन स्कूल है, जिसमें 95% हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के बच्चे पढ़ते हैं, 5% हम ईसाइयों के बच्चे पढ़ते हैं। बड़ा अफसोस हो रहा है आज मुझे इस लांछन को सुनते हुए कि काश हम धर्म परिवर्तन करते तो पूरा भारत ईसाई होता, पूरा भारत आज ईसाई होता। और आज ऐसे लोगों को ये लोग धर्म परिवर्तन के नाम से नवाज रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है। हमारे ईसाई स्कूलों से ये सारे नेता लोग निकले हैं, हमारे ईसाई स्कूलों से पढ़ पढ़ के आज ये विदेशों में बड़ी बड़ी शिक्षाएं ले रहे हैं। विदेश किसके हैं? तो साथियों, इस चीज को हमने सोचना है। समानता, समानता का अधिकार तो इन्हें पता नहीं है। एक सवाल मेरे दिल में हमेशा कहता है, मैं अपने आप से सवाल करती हूँ कि ये कहते हैं एंटी कन्वर्जन लॉ, संविधान में आर्टिकल 25 हमें कहता है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, हमें बिल्कुल अधिकार है किसी भी धर्म को मानने का, आजादी है पूरी, तो एंटी कन्वर्जन लॉ किस बात का है? दूसरी बात, ये कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं, तो इस्कॉन टेंपल वाले क्या धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे? इस्कॉन टेंपल में हजारों की संख्या में बाहर की महिलाएं पुरुष आते हैं, क्या वो धर्म परिवर्तन नहीं है? ये लोग कहते हैं गाय को सम्मान देते हैं, हम गाय को, नारी का बहुत सम्मान करते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट में बात कह रही हूँ, यदि ये नारी का सम्मान कहते हैं तो हमारी प्रेसिडेंट मिसेस द्रौपदी मुर्मू को पार्लियामेंट का उद्घाटन करने के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि इनके अंदर जातिवाद भरा हुआ है, इनके अंदर ऊंच और निष्ठा की बातें भरी हुई है। इसलिए हमारी उस बहन को मैं कंडेम करती हूँ इस बात को कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, जबकि ये अधिकार सिर्फ उनका था। बिल्किस बानो, आसिफा, आज इनकी जबाने नहीं खुल रही, क्यों नहीं खुल रही? क्योंकि नारी का सम्मान कहते तो है पर कहीं भी नारी का सम्मान नहीं है। किसी भी तरीके से आप देखें तो हर जगह नारी को अपमानित किया जा रहा है और गिराया जा रहा है। ये जो रेसलर बहने साक्षी मलिक, यदि ये नारी का सम्मान करते तो उनकी दुविधा को सुनते। आप ये देखिए किस तरीके का मौसम है। गोदी मीडिया के लिए मैं कहना चाहूंगी, यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो हम उग्रवादी, हम पाकिस्तान की बात करें तो हम उग्रवादी। जब इमरान के किस्से चल रहे थे, उधर हमारा मणिपुर जल रहा था, एक भी मीडिया ने मणिपुर का कुछ नहीं दिखाया, पाकिस्तान की बातें करी जा रही हैं। तो क्या इस गोदी मीडिया का कोई इलाज नहीं है? क्या कोई अगली सरकार आएगी तो ये गोदी मीडिया क्या उस सरकार में काम नहीं करेगा? हिजाब पर किस तरीके से तंज कसे जा रहे हैं, स्कूलों में लड़कियों को किस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, क्या ये ये है हमारे भारत की हकीकत? क्या इस तरीके से लड़कियों को, बहनों को अपमान किया जाएगा? हमें कहते हैं कि हम धर्म परिवर्तन कहते हैं। मैं अभी लेटेस्ट आपको एक इंसिडेंट बता रही हूँ, ये भारत का कानून बता रही हूँ मैं आपको, कि अभी एक महीना पहले एक प्रार्थना सभा चल रही थी गाजियाबाद में, खोड़ा कॉलोनी में। वहाँ प्रार्थना सभा में ये दंगाई गए और उन दंगाइयों ने जाकर पास्टर को और उसकी वाइफ को धर्म परिवर्तन के आरोप में जेल में डाल दिया। उसका बच्चा 1.5 साल का था। आप ये सोचिए, 1.5 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ जेल में है, क्या होगा उसका फ्यूचर? कहाँ है सरकार? क्यों नहीं उसके कानों तक हमारी आवाजें पहुंच रही हैं? तो भाई और बहनों, बहुत सी बातें, बहुत कुछ लेके आई थी पर भाई ने टाइम ही बहुत शॉर्ट कर दिया तो मैं नहीं कह पाऊंगी। बस इतना जरूर कहूंगी, जो पहल आप लोगों ने की है तो थोड़ा ये ध्यान रखिए, जिन पॉलिटिकल लीडर्स को आप बुलाते हैं, तो आज हमें एक ही चीज से बचना है और वो चीज है कि एक पार्टी को छोड़ के जो बाकी पार्टियां हैं उनमें जहां जहां जिसका स्वामित्व है, जहां जहां जिसका मतलब एक्टिव है सबसे ज्यादा, उन लोगों को हमें सपोर्ट करना है, किसी अदर पॉलिटिकल पार्टी को तंज नहीं कसने हैं। क्योंकि आज ये वक्त है, यदि आज हम नेक नहीं हुए और आज हमने इनको उखाड़ कर नहीं फेंका तो आने वाला अगले साल आप जो कपड़ा भी पहनेंगे उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।